गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम संस्कृत विषय के अंतर्गत कक्षा 6 में द्वितीय पाठ है आकारांत स्त्रीलिंग शब्द के विषय में अध्ययन करेंगे। फर्स्ट, आकारांत क्या होता है? जिन शब्दों के अंत में क्या आए आ, और वह शब्द स्त्री जाति का बोध कराए, उसे हम क्या कहते हैं? आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। ओके, नेक्स्ट आगे क्या है? आप सभी को ये याद होगा कि संस्कृत भाषा में पुल्लिंग की तरह स्त्रीलिंग के भी 3 वचन होते हैं। फर्स्ट एकवचन, सेकंड द्विवचन और लास्ट बहुवचन। एकवचन एक का बोध कराता है, द्विवचन 2 का बोध कराता है और बहुवचन 3 या 3 से अधिक का बोध कराएगा। तो फर्स्ट एकवचन में जैसे बालिका, इसके अंत में क्या आ रहा है आ, और यह किस जाति का बोध करा रहा है? स्त्री जाति का। इसी तरह द्विवचन, द्विवचन में बालिका का क्या आएगा? बाली के। ओके, लास्ट में क्या आएगा इसके द्विवचन में? ए, और ये कितनी जाति, कितनी संख्या का बोध कराएगा? 2। इसी तरह बहुवचन, बहुवचन में क्या होगा? बालिका। अंत में क्या आ रहा है? आ, और ये किस जाति का बोध करा रहे हैं? स्त्री जाति का। तो आप 3 वचनों का आपको ज्ञान हो गया होगा स्त्री जाति के। नेक्स्ट आगे है, जैसे हमने बताया कि स्त्रीलिंग शब्दों में स्त्री जाति का बोध होगा और अंत में क्या मिलेगा आपको? आ, जैसे क्या है ये? फर्स्ट घटिका, घटिका के अंत में क्या आया? आ, और ये किस जाति का बोध करा रहा है? स्त्री जाति का। घटिका का अर्थ क्या होता है? घड़ी। इसी तरह नेक्स्ट क्या है? चटका, चटका का अर्थ क्या होता है? चिड़िया। तो चटका के अंत में क्या आया? आ, और चिड़िया किस जाति को बोध कराती है? स्त्री जाति को। नेक्स्ट क्या है? सा, तो सा किसके लिए प्रयोग होता है? स्त्री जाति के लिए। वह, तो वह स्त्री जाति का बोध करा रहा है, इसके अंत में क्या आया? सा के आ। तो हमें ज्ञात हो गया कि स्त्री जाति के अंत में क्या आएगा? आ। ओके, नेक्स्ट है एते, ये द्विवचन के लिए है। एते कोकिले, ये 2 कोयल। और बहुवचन के लिए एता अजा, दोनों बहुवचन है ये, इनके अंत में क्या आएगा? आ। ओके, नेक्स्ट स्त्रीलिंग, तो आप सभी को ज्ञात होगा जिन शब्दों के अंत में क्या होगा? आ, और वह शब्द किस जाति का बोध कराएगा? स्त्री जाति का। तो उन्हें हम क्या, कौन से शब्द कहेंगे? स्त्रीलिंग। ओके, तो बालिका एक वचन में एक लड़की, द्विवचन में क्या होगा? बालिके, 2 लड़कियां। बहुवचन में बालिका, अंत में क्या आया? आ, अनेक लड़कियां। ठीक, ओके, नेक्स्ट स्त्रीलिंग। अब ये यहाँ पे इसके सर्वनाम है, तीनों वचनों में, एक वचन में क्या है? ऐसा, यह, तो अंत में क्या आ रहा है? ऐसा के आ। इसी तरह सा, शा का क्या है अंत में? आ, वह। तो ऐसा का द्विवचन क्या होगा? एते, ये दोनों। और बहुवचन में एता, ये सब। इसी तरह सा का द्विवचन ते, वे दोनों। उड़ता, वे सब। तो ये इनके सर्वनाम के 3 वचनों में है, स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। नेक्स्ट आगे इस, तो ये हमारा स्त्री जाति से संबंधित द्वितीय पाठ है जो आकारांत स्त्री जाति का बोध करा रहा है। तो इसमें हमें सभी को स्त्री के, सभी स्त्री जाति के शब्दों का परिचय होगा। जैसे फर्स्ट ऐसा का, यहाँ एक वचन स्त्री का जाति के शब्दों का प्रयोग किया गया है, ऐसा का, यह
क्या है? ऐसा दोला, यह झूला है। तो ऐसा और दोला में क्या अंत में आ रहा है शब्द? आ। दोला कुत्र अस्ति, झूला कहाँ है? दोला उपवने अस्ति, झूला हमें कहाँ दिखाई दे रहा है? उपवन में, झूला बाग में है। तो ऐसा यह दोला एक झूला, ये सभी क्या है? एकवचनम है। आगे नेक्स्ट, एते के, ये दो क्या हैं? क्या है ये दो? कौन है? क्या है ये? तो ये दो कौन है? किम एते कोकिले, क्या ये दो कोयल हैं? अर्थात न एते चटके, नहीं ये दो क्या है चटके? चिड़िया, ये दो चिड़िया हैं। चटके किम कुरुते, ये दोनों चिड़िया क्या कर रही हैं? एते विहिरते, ये दोनों फुदक रही है, अर्थात ये विहार कर रही हैं। तो एते में और चटके में कौन सा वचन आया? द्विवचनम। नेक्स्ट, एता का, ये एता का, ये क्या है? ये सब बहुवचन है। एता, एता स्थालिका, ये सब थालियां हैं। स्थालिका में क्या हुआ अंत में? आ। और स्थालिका स्त्री जाति को बोध करा रहा है। किम एता गोलाकार है, क्या ये गोल है? आमे एता गोलाकार है, ए हाँ ये गोल ही है। तो आप सभी को ज्ञात हो गया होगा कि इस चैप्टर में स्त्री जाति के शब्दों का प्रयोग किया गया है और तीनों वचनों का एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।